हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे ऑडिट एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। और लास्ट में मैं कुछ इम्पॉर्टेंट बातें भी बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो टोटल 5 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट है हमारी ऑडिटिंग की, सेकेंड और थर्ड एंड फोर्थ यूनिट हमारी कॉरपोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड है, और यूनिट 5 हमारी बिजनेस एथिक्स एंड कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो सिलेबस तुम यहाँ से देख सकते हो। देन उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो यूनिट 1 हमारा 7 या 8 मार्क्स का आता है, ठीक है। कॉस्ट ऑडिट वर्सेस मैनेजमेंट ऑडिट, व्हाट्स ऑडिटिंग एंड इट्स प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, टाइप्स ऑफ ऑडिट, टाइप्स ऑफ ऑडिट में या फिर टाइप्स ऑफ ऑडिट पूछ लेते हैं कोई कितने भी, या फिर कोई भी दो ऑडिट के नाम दे देंगे, उनको एक्सप्लेन करना है, उनके बीच में डिफरेंस कंपैरिजन बताना, ठीक है। देन उसके बाद रोल ऑफ ऑडिटर्स इन कॉरपोरेट गवर्नेंस, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, और ऑडिटर इज़ अ वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हाउंड, ठीक है। तो ये सारा हमारा यूनिट 1 का था, जिसमें 7 मार्क्स या फिर 8 मार्क्स का आता है। देन उसके बाद यूनिट 2 है हमारा कॉरपोरेट गवर्नेंस, जिसमें हमारा 15 मार्क्स का ही है। इसमें इम्पॉर्टेंट हमारे विसल ब्लोइंग, क्लास एक्शन, शेयर होल्डर एक्टिविज्म, रोल ऑफ रेटिंग एजेंसी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इनसाइडर ट्रेडिंग, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। देन उसके बाद यूनिट 3 हमारा 22.5 मार्क्स का, जिसमें हमारा OECD प्रिंसिपल्स ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस, कैडबरी कमिटी, सार्बिन्स ऑक्सले एक्ट 2002, हर्षद मेहता स्कैम। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस यूनिट 3 में क्या है, हमारे फेलियर्स एंड स्कैम्स है सारे। तो ये कुछ मेन स्कैम्स जो होते हैं रिपीटेड आते हैं, बाकी उसमें से या फिर तुम्हें बोल देंगे कोई सा भी एक स्कैम समझा दो। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है, व्हाई इट इज़ बिलीव दैट कॉरपोरेट फेलियर्स आर लार्जली एट्रिब्यूटेबल टू शॉर्टकमिंग्स इन कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस एंड स्टेट बिगेस्ट स्कैम्स। तो कोई से भी बिगेस्ट स्कैम बता दो, जो कि इंडिया एंड अब्रॉड का दोनों का एक एक, कोई सा भी बिगेस्ट स्कैम बता दो ये, या फिर एनी स्कैम, या फिर बिगेस्ट स्कैम बता दो, या फिर कोई ये कुछ पर्टिकुलर इस स्कैम के बारे में बता दो, ऐसे पूछ लेगा, ठीक है। तो ये यूनिट 3 हमारे 22 मार्क्स का आता है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा यूनिट 4 है 15 मार्क्स का, जिसमें डिस्क्राइब रोल, फंक्शंस एंड कॉम्पोजिशन ऑफ ऑडिट कमिटी एज पर द CB, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन 2005। तो हमें सेबी के अकॉर्डिंग क्या क्या हमें, मतलब क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस में बताए गए हैं, वो उसमें क्या क्या फंक्शंस एंड रोल्स एक कंपनी की कमेटी की होती है वो, ठीक है। देन उसके बाद व्हाट आर द नॉन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस एज लेड डाउन बाय द सेबी रेगुलेशन 2015। देन उसके बाद हमारा स्टेट रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2013 ऑन कॉरपोरेट गवर्नेंस, कि इंडियन कंपनीज एक्ट के 2013 के कौन कौन से प्रोविजन जो हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस पे लागू होते हैं वो बताना है हमें। देन उसके बाद यूनिट 5 में हमारा व्हाट्स बिजनेस एथिक्स, इट्स प्रिंसिपल्स, बेनिफिट्स ऑफ अडेप्टिंग बिजनेस एथिक्स इन बिजनेस, एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस और एथिक्स का क्या रिलेशन है वो, ठीक है। और फिलेंथ्रोपी, मॉडल्स ऑफ CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR मीन्स, ठीक है। प्रोविजंस ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 ऑन CSR, कि CSR में कौन कौन सी इंडियन कंपनीज एक्ट लागू होती है, कौन सी प्रोविजंस। देन उसके बाद CSR इनिशिएटिव किस किस ने लिया, इंडियन कंपनीज, कोई भी इंडियन कंपनी जिसने CSR इनिशिएटिव लिया हो वो हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। देन उसके बाद मुझे कुछ लास्ट में ये बताना था कि हमारा जो GST का एग्ज़ाम आया था, उसमें जो हमारा GST का एग्ज़ाम था, मैं इससे किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं करना चाहती, उसमें हमारे जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन के मार्किंग जो पैटर्न थे वो हमारे लास्ट 3 ईयर्स वाले आए हैं, ठीक है। मार्क्स पैटर्न हमारे लास्ट 3 ईयर्स वाले आए हैं, बट जो क्वेश्चन का पैटर्न है, क्वेश्चन के लेवल ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड है जो, वो हमारा बहुत ही सिंप्लीफाइड था, ठीक है।
ज़्यादा कुछ हार्ड उन्होंने पूछा नहीं था, इजी एंड सिंप्लीफाइड क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं आए थे हमारे, और कुछ भी उन्होंने ज़्यादा कुछ मतलब कॉम्प्लेक्स लेवल का नहीं था हमारा, इजी था, है ना। तो वैसे ही क्या होता है कि SOL में एक बार जो फर्स्ट पेपर जैसा जिस लेवल ऑफ पैटर्न का आता है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड होते हैं, उसी लेवल ऑफ क्वेश्चन वो पूरा उस पूरे को उस बैच के एग्ज़ाम्स में वही वो मेंटेन रखता है। तो इसीलिए जो अदर ऑडिट के एग्ज़ाम्स होंगे या अदर एग्ज़ाम्स होंगे तो उसमें जो लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर है वो इजी आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा केस लॉज हो सकते हैं, मतलब के ऑडिट में केस लॉज वगैरह आता है, पर मुझे नहीं लगता कि इसमें इस बार कुछ ज़्यादा वो केस लॉज टाइप के कुछ आएंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो आप कि डायरेक्ट क्वेश्चंस कर ले। पर हाँ, ये जो स्कैम्स वगैरह हैं इनमें वो पता है ऐसे पूछ सकते हैं कि उन्होंने कोई भी स्कैम में कोई एक पर्टिकुलर चीज़ जो हुई होगी जिस रिलेटेड जिस भी वो स्कैम जिससे भी रिलेटेड फेलियर से होगा, उस फेलियर को वो डिफाइन कर देंगे और बोल देंगे कि इस फेलियर का स्कैम बताओ, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी वो पूछ सकते हैं यूनिट 3 के, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।